Hey guys, welcome back to my YouTube channel. ब्रेड आलू टोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो मीडियम साइज के बॉइल्ड आलू लिए. मैं इसको फोक से अच्छे से मैश कर ले रही हूँ. हमने इन आलू को अच्छे से मैश कर लिया है. अब हम इसमें एक मीडियम साइज का फाइन चॉप्ड प्याज डाल दे रही हूँ. इसको भी हम अच्छे से मिला ले रहे हैं. मैंने एक ग्रीन चिली को फाइन चॉप्ड कर लिया था, वह इसमें डाल दे रही हूँ. आपने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं. सबको आपस में मिला ले रहे हैं. अब टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है, टीस्पून गरम मसाला डाला है. अब इन सबको अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे. अगर आप हरी धनिया पसंद करते हैं तो आप इसमें हरी धनिया भी डाल सकते हैं. अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो आप रात में आलू को बॉईल करके रख दें, सुबह फटाफट ये नाश्ता बन जाता है. मैंने इसको अच्छे से आपस में मिक्स कर लिया है. हमने एक कटोरी में एक टेबल स्पून मैदा डाली है. हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक पतला सा घोल बना लेंगे. हमने देखो इसका इतना पतला सा घोल बना लिया है. इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाली. इसको मुझे आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना. हमने यहाँ तो ब्रेड के स्लाइस लिए हैं. यहाँ हमने ब्राउन ब्रेड यूज किया, इसकी जगह आप व्हाइट ब्रेड यूज कर सकते हैं. इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा टोमेटो केचप अच्छे से स्प्रेड कर. अगर आप टोमेटो केचप पसंद नहीं करते तो इसकी जगह हरी धनिया की चटनी भी लगा सकते हैं. अपने पसंद से कोई भी चटनी इसके ऊपर लगा सकते हैं. हम दोनों ब्रेड के स्लाइसेस पे टोमेटो केचप अच्छे से स्प्रेड कर दिया है. अब हमने जो आलू की स्टफिंग बनाई थी ना, वो उसे ब्रेड पे अच्छे से स्प्रेड करना है. और ज्यादा मोटा नहीं, थोड़ा पतला पतला ही फैलाना है. हमें ऐसे दोनों ब्रेड पे इस मिश्रण को अच्छे से फैला लेना है. हमने जो मैदे वाला ये घोल बनाया था वो मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा डालना है. हमें दूसरी ब्रेड की स्लाइस पर भी इस घोल को इसी तरह डालना है. थोड़ा पतला ही फैलाना है, इसको भी बहुत ज्यादा नहीं फैलाना है, नहीं तो आलू गीला हो जाएगा. हमने गैस ऑन करके एक नॉन स्टिक का पैन रखा है, इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है. इस पैन में मैंने एक चम्मच घी डाला हुआ है. घी की जगह आप बटर या फिर जो ऑयल आप यूज करते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं. ये पैन अच्छे से गर्म हो गया तो मैं ये ब्रेड का स्लाइस लेके जिस साइड मैंने ये मिश्रण लगाया उसको नीचे की साइड में रखेंगे. तो मुझे गैस की फ्लेम को स्लो रखना है. इसी तरह हमने दूसरे ब्रेड के स्लाइस को भी रख दिया है. मुझे स्लो फ्लेम पे इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है. अब ये एक तरफ से अच्छी तरह सेक गए तो उसे मैं पलट के दूसरी तरफ भी इसी तरह अच्छे से सेक ले रही हूँ. हमारे टोस्ट दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके तो मैं गैस को ऑफ कर रही हूँ. तो लीजिए फ्रेंड, ये मेरे गरम गरम करारे से गोल्डन ब्राउन टोस्ट बनके रेडी हो गए हैं. हम आपको कट करके भी दिखा रहे हैं ये कितने क्रिस्प बने हैं. फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स करके बताएं. तो फ्रेंड लीजिए, ये मेरे टोस्ट बनके रेडी हो गए हैं. ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं. आप इसे मॉर्निंग में या फिर कभी भी इवनिंग में चाय के साथ सर्व कर सकते हैं.